Greetings of the day. I am Parikshit Kumar, Research Scholar, Department of Geography, Vinoba Bhave University, Hazaribagh. Today I am going to discuss about how to draw international map projection. इंटरनेशनल मैप प्रोजेक्शन को कैसे ड्रॉ करेंगे प्रैक्टिकल के क्लास का एक टॉपिक है। उसके पहले हम लोग इंटरनेशनल मैप प्रोजेक्शन के बारे में थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे। दिस प्रोजेक्शन इज ए मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ पॉलीकॉनिक प्रोजेक्शन एंड इज सुटेड फॉर वर्ल्ड कवरेज ऑन 1:1 मिलियन स्केल। यानी ये जो इंटरनेशनल मैप प्रोजेक्शन है पॉलीकॉनिक प्रोजेक्शन का मॉडिफाइड फॉर्म है। इसका स्केल 1:1 मिलियन रखा जाएगा और इसका जो पर्पस है वो पूरे वर्ल्ड को कवरेज करने का है। यानी यहाँ अगर शीट को हम 1:1 मिलियन शीट को एडजेसेंट साइड पे उसका रखेंगे तो पूरे ग्लोब को कवर करेगा। जैसे एक मेरा शीट ये है, दूसरा शीट ये है, इस तरह करके हम पूरे ग्लोब को कवर कर सकते हैं। The idea of preparing 1:1 million sheet to cover the whole world on a unified network was first advanced by Professor Peng at the International Geographical Congress held at Bonn in 1891. इसकी कल्पना सबसे पहले पेंग ने किया था इंटरनेशनल ज्योग्राफिकल कांग्रेस में, जो कि हेल्ड हुआ था बर्न में 1891। Proposal of international map projection was accepted by the international map committee of the international geographical union in 1909. इन्होंने कल्पना किया था पैंक ने और इसको international map committee द्वारा इसका acceptance मिला 1909 में international geographical union. This projection is drawn on a scale of 1:1 million, जिसके हम लोगों ने चर्चा कर चुका है। Each sheet covers 4 degree latitudes and 6 degree longitudes between 60 degree north and south. And then 4 degree latitudes and 4 degree longitudes between 60 degree and 88 degree north and south. The two polar areas are represented by two circular sheets, each having a diameter of 4 degree latitudes. समझते हैं ये क्या कहना चाह रहा है? इंटरनेशनल मैप प्रोजेक्शन का जो एक शीट का साइज होता है 60 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री साउथ दक्षिण के बीच में जो एक शीट का एक्सटेंशन होता है वो 4 डिग्री लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन होता है और 6 डिग्री का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन होता है। उसके बाद 60 डिग्री से 88 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ उस रीजन के जो शीट बनेंगे उस शीट का एक्सटेंशन हमारे क्या 4 डिग्री लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन है और 12 डिग्री लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन है। 88 डिग्री तक दोनों गोलार्ध में हो चुका है। उसके बाद बचता है पोलर रीजन। उसके लिए हम लोग दो सर्कुलर शीट लेते हैं रिप्रेजेंटेड बाय टू सर्कुलर शीट ईच हैविंग ए डायमीटर ऑफ 4 डिग्री लैटिट्यूड्स। उसके बाद जो 88 डिग्री का ऊपर का 88 डिग्री के बाद का जो क्षेत्र बचता है उसको हम लोग एक सर्कुलर शीट ऊपर एक नीचे एक सर्कुलर शीट से बनाते हैं। ऊपर का जो सर्कुलर शीट होता है वो 4 डिग्री लैटिट्यूड होगा। हम लोग ने देखा कि 88 डिग्री तक तो ठीक है, उसके बाद में कंफ्यूजन इस बात की हो सकती है कि 4 डिग्री का लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन होगा जो लास्ट का जो पोलर रीजन है उसके 4 डिग्री लैटिट्यूड का डायमीटर का दो सर्कुलर शीट होंगे, एक ऊपर एक नीचे। तो वो 4 डिग्री लैटिट्यूड आएगा कैसे? सोच सकते हैं कि 88 के बाद तो 90 होता है तो 2 डिग्री का लैटिट्यूड है, तो ये समझते हैं। जैसे हमने 88 डिग्री से पहले नीचे का सारे शीट बना लिया इंटरनेशनल प्रोजेक्शन का। अब इसके बाद ये जो पोलर रीजन मेरा बच रहा है इसका एक सर्कुलर शीट होगा और इसका डायमीटर होगा 4 डिग्री लैटिट्यूड का, वो कैसे हो? ये मेरा 88 है, 89 है और ये 90 पोल है। अब इसको देखेंगे तो 1 डिग्री ये हो रहा है, 2 डिग्री ये हो रहा है, लेकिन हमको क्या करना है? डायमीटर का देखना है, फिर 1 डिग्री 2 डिग्री, इस तरह ये 2-3-4 डिग्री का लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन का हमको क्या मिला? डायमीटर मिल रहा है और उस डायमीटर से हमको क्या कर रहा है? सर्कुलर शीट मिल रहा है। इस तरह एक नॉर्थ पोल के लिए एक शीट होगा, एक साउथ पोल के शीट होगा। इस तरह जब सारे शीट को हम काउंट करेंगे तो टोटल हमको 2,222 शीट मिलेगा। अब आते हैं इसका पर्पस क्या है। आप लोग समझ चुके होंगे इसका पर्पस क्या है। To facilitate the preparation of a map
of the whole world in a sheet which would fit together on all sides. यानी इसका जो पर्पस है पूरे ग्लोब का डिफरेंट मैप बना के उसको एक दूसरे के साइड में रख के फिट करेंगे तो पूरे ग्लोब का हमको मैप मिलेगा, ये इसका पर्पस है. अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे कि कैसे ड्रॉ करना है वो हम लोग सीखेंगे. क्वेश्चन है ड्रॉ ए वर्टिकल ऑन इंटरनेशनल मैप प्रोजेक्शन एक्सटेंडिंग फ्रॉम 24 डिग्री नॉर्थ टू 28 डिग्री नॉर्थ एंड 78 डिग्री ईस्ट टू 84 डिग्री ईस्ट ऑन स्केल 1:1 मिलियन. तो इसको हम लोग को ड्रॉ करना है. इसके लिए आपको दो टेबल दिया रहेगा, एक टेबल 24 डिग्री और 28 डिग्री के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है करेक्टेड लेंथ कहते हैं उसको, वो आपको दिया रहेगा. ये टेबल अलग फॉर्मेट में होता है, हम क्वेश्चन के हिसाब से अपने टेबल तैयार किए हैं. क्वेश्चन जैसा भी होगा आपको वैसा उसका टेबल दिया है. 24 से 28 का डिस्टेंस हमारा है 442.91 मिलीमीटर. हम लोग मिलीमीटर स्केल हम लोग का आता है सेंटीमीटर में, उसको हम लोग सेंटीमीटर में चेंज करके लिखे हैं कितना 44.29 सेंटीमीटर. ये 1:1 मिलियन स्केल पे. यहाँ पे एक समस्या हो सकती है कि 44 सेंटीमीटर का लेंथ खींचना कॉपी पे मुश्किल है. उसके लिए आप लोग ड्रॉइंग शीट पे कर सकते हैं, बड़ा शीट खरीद के बना सकते हैं. नहीं तो उसका छोटा शीट पे अगर बनाना होगा तो हम लोग क्या करेंगे इसका स्केल चेंज करेंगे, 1:2 मिलियन कर सकते हैं, 1:3 मिलियन कर सकते हैं. जैसे अगर हम 1:2 मिलियन करेंगे तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, 22.14 के आसपास हो जाएगा. अगर 1:3 मिलियन पे करेंगे तो 44 को 3 से भाग देंगे फिर आएगा 14 point something जो आएगा वो हमारा हो जाएगा. वो हम अपने कॉपी पेज के हिसाब के अनुसार अपना स्केल चेंज करेंगे और एलियन के अनुसार वैरी करेंगे. नेक्स्ट टेबल क्या दिया हुआ है, 24 और 28 के जो पैरेलल है उस पर हमको कोऑर्डिनेट को दर्शाना है. अभी जब मैं क्वेश्चन इसको ड्रॉ करूंगा तो सब क्लियर हो जाएगा, अभी देख के थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है. एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, ये इसका लेंथ दिया है 1:1 मिलीमीटर भी दिया है, 1:1 मिलियन स्केल भी दिया है. ये भी आपको अगर बड़ा शीट है 1:1 मिलियन में बनाएंगे, अगर छोटा शीट है तो हम इसको 1:2 मिलियन में बनाएंगे, और छोटा शीट है आप 1:3 मिलियन में शीट में बनाएंगे. तो इसको हमने पहले देख लेते हैं टेबल, इसको हमने ये कैसे लिखा है. ये है 101.76 मिलीमीटर, सेंटीमीटर में चेंज करेंगे 10 से भाग देंगे तो 10.176 होगा. स्केल चेंज करेंगे 1:1 मिलियन को 1:2 मिलियन करेंगे तो ये लेंथ क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा. तो उसको फिर 2 से भाग देंगे तो हमारा ये आएगा 5.08. ये किस चीज में आ रहा है, सेंटीमीटर. यहाँ हमने लिखा है 1 सेंटीमीटर, यहाँ लिखा है मिलीमीटर, यहाँ लिखा है 1:1 मिलियन, यहाँ लिखा है 1:2 मिलियन. सेम चीज करेंगे 2 डिग्री कोऑर्डिनेट पे भी, एक्स का वैल्यू हमारा दिया हुआ है 203.52 मिलीमीटर में, इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे 20.3 आएगा. हमको स्केल छोटा चाहिए, मैप ड्राइंग छोटा करना है तो स्केल का हम डिनोमिनेटर के आगे का दोगुना कर रहे हैं, इसका क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा. तो ये हमारा क्या जा रहा है यहाँ पर 10.6. तो ये हमारा कैलकुलेशन का हिस्सा है और ये कैलकुलेशन करने के बाद में हमको ये 1:2 मिलियन पे एक ये हमको टेबल मिल रहा है. आप स्वतंत्र है किसी में भी बना सकते हैं अपने पेज के हिसाब से अपने शीट के अनुसार. अब हम लोग देखेंगे इसका यूज कैसे करेंगे और बनाएंगे. हम लोग क्वेश्चन देख चुके हैं, अब उसको कैसे ड्रॉ करना है वो आप लोग सीखेंगे. क्वेश्चन है 24 से 28 डिग्री दिया हुआ है लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन, 78 से 84 डिग्री दिया है लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन. आपको 1:1 मिलियन में बनाना है, पेज छोटा होता है हमारा इसलिए हम लोग 1:2 मिलियन में बनाएंगे. हमको क्या दिया हुआ है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दिया है 24 डिग्री और 28 डिग्री के बीच का, क्या दिया है 44.2 सेंटीमीटर. इसमें 1:1 मिलियन में 1:2 मिलियन में बनाएंगे क्या आएगा हमारा 22.1 सेंटीमीटर. तो हम स्केल का सहारा लेंगे और 22 सेंटीमीटर का एक लंबी सीधी रेखा खींचेंगे. मानते हैं ये हमारा क्या हो गया, सेंट्रल मेरिकल.
इसको कहेंगे हम सेंट्रल मेरिडियन, और इसके नीचे एक लाइन खींचेंगे, ऐसे खींचेंगे कि ये दोनों एक दूसरे का परपेंडिकुलर हो। स्केल का मदद हेल्प लेके आप लोग खींचेंगे अच्छे से। अब मेरा जो कोऑर्डिनेट किया हुआ था उसका ये जाएगा, इसको कहेंगे सेंट्रल मेरिडियन। 78 से लेकर क्या है हमारा 84 तक, देखिए 78 79 80 81 82 83 84, ये हमारा क्या आ रहा है सेंट्रल मेरिडियन आ रहा है, ये हमारे 81 है। उसके बाद आपको टेबल में दिया हुआ होगा वन कोऑर्डिनेट, जैसे हमने यहां पे लिखा है वन डिग्री कोऑर्डिनेट पे 24 डिग्री नॉर्थ पे एक्स का वैल्यू दिया है 5.08, यानी वन डिग्री मूव करेंगे हम राइट साइड 5.08 यहां से स्केल लेंगे और हमारा मान लेते हैं 5 यहां पे, मैं बोल्ड है थोड़ा बड़ा बनाना है इसलिए मानता हूं मेरा ये 5.1 डिग्री कोऑर्डिनेट का जो एक्स का वैल्यू है वो 5.08। और यहीं पे y का वैल्यू है 0.018। तो 0.08 क्या होता है y, यानी ऊपर मुड़ जाएगी, ये पॉइंट हमको मिल रहा है 0.08 स्केल पे एकदम बिल्कुल 0.1 से भी छोटा हो रहा है, जब स्लाइटली मुड़ करेगा ऊपर ये हमारा। उसके बाद क्या है 24 डिग्री नॉर्थ पे हमको क्या देखना है 2 डिग्री का कैसे निकालना है, यानी 2 डिग्री का मतलब ये अगर 81 है तो 82 डिग्री आएगा और ये 83 डिग्री आएगा। इसका हमारा लेंथ क्या ये दिया हुआ है टेबल में 10.17 सेंटीमीटर। तो फिर हम यहां से स्केल लेंगे और 10.17 मानते हैं हमारा 10.17 यहां आ गया है, और इसका वाई कोऑर्डिनेट है 0.07 मानते हैं यहां। जो 3 डिग्री का कोऑर्डिनेट ये है लॉन्गिट्यूड है उसका एक्स का वैल्यू दिया है 24 डिग्री पे 15.26 और वाई का दिया है 0.16। तो फिर हम यहां से स्केल लेंगे और मापेंगे और 15 मेरा मान लेता हूं मैं यहां पे आ रहा है और वाई का वैल्यू आ रहा है 0.16 ऊपर जाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे हम इसको डिवाइड से इसको मिलाएंगे, जैसे हम इधर शिफ्ट किए हैं सेम चीज हम इधर भी करेंगे और इसको भी ऐसे मिला देंगे। ये 24 डिग्री का हो गया है, अब हम लोग 28 डिग्री पे जाएंगे और उसमें दिया है एक्स का वैल्यू 1 डिग्री यानी 82 डिग्री पे 4.9 एक्स का वैल्यू और वाई का वैल्यू 0.0। तो ये जो है इससे थोड़ा सा इधर होगा, ये 4.9 है यहाँ पे और y का वैल्यू 0.0, उसी तरह यहाँ पे होगा 9.8 है, यहाँ से मापेंगे स्केल लेके और 9 मेरा जहाँ पे होगा वहां पे इसको ले जाएंगे और यहाँ पे y का दिया हुआ है 0.08 यहाँ पे होगा। फिर यहाँ से लेंगे 14 दिया है मेरा तीसरा लॉन्गिट्यूड के लिए, यहाँ पे 14 लेंगे हम मानते हैं 14 आ रहा है और y का वैल्यू आ रहा है 0.0। फिर हम इसको क्रिएट से ऐसे मिलाएंगे, सेम चीज हम इधर भी करेंगे और ऐसे मूव करेंगे पॉइंट को कोऑर्डिनेट के रूप में दिखाएंगे और इसको ऐसे करेंगे। तो हम लोगों ने अभी तक क्या सीखा, कोऑर्डिनेट की हेल्प से पॉइंट को यहाँ पे शिफ्ट करना और मिलाना। यहाँ पे आप लोग एक चीज करेंगे ध्यान रखेंगे, जैसे इस पॉइंट को इस पॉइंट से यहाँ पे मिलाएंगे, यहाँ पे जो पहले का जो पॉइंट है इंटरसेक्शन पॉइंट है यहाँ पे मिलाना है, मतलब ऊपर से लेके चला जाना है इसको यहीं पे मिलाना है। उसके बाद क्या करना है इस पॉइंट को और इस पॉइंट को हमें स्केल से मिला देना है।
ये हमारा क्या राशि, ये हो गया 82, ये 83, ये 84 डिग्री 20, ये हो जाएगा 79, 78। हम लोग को अभी तक मिल चुका है लॉन्गिट्यूड, मिल चुका है 78, 79 लॉन्गिट्यूड मिल चुका है। हमें अब बनाना है लैटिट्यूड। लैटिट्यूड कैसे निकालना है, लैटिट्यूड कैसे इसमें ड्रॉ करेंगे। मेरा ये क्या डिफरेंस है, 4 डिग्री का डिफरेंस है। इस लेंथ को हम अब मापेंगे, जो नया पॉइंट मिला और ये पॉइंट मिला, इसको हम मापेंगे और इसको 4 से डिवाइड करेंगे। जो भी मेरा फाइंडिंग होगा उसको क्या करेंगे, इस यहाँ पे पुट करेंगे। फिर हम इसको भी क्या करेंगे, इसको मापेंगे और इसको 4 भाग से भाग देंगे, 4 से, और जो मिलेगा उसको हम पॉइंट करेंगे। ऐसे करके 4 भाग, 4 बराबर भाग में बांटेंगे, आसान शब्दों में कहें तो। इसी तरह सारे देशांतर रेखाओं को 4 बराबर भागों में हम क्या करेंगे, पार्ट। उसके बाद में फ्री हैंड से चारों सभी बिंदुओं को आपस में मिला देंगे। ये हो सकता है इधर उधर जाए, जब आप स्केल से माप के बनाएंगे तो इधर उधर मिल जाए। और एक चीज आप लोग ध्यान में रखेंगे, ये जो रेखा है ये स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, स्केल से आप लोग नहीं खींच पाएंगे, नहीं खींचना है। जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा 4 बराबर भागों बांटने के दौरान, उस पॉइंट को फ्री हैंड से मिलाना है। तो ये थोड़ा सा हल्का कर्व टाइप का ये रेखा होगा। तो ये हमको क्या मिल गया, ये 24 डिग्री ये होगा, ये हमारा 25 डिग्री नॉर्थ, 26 डिग्री नॉर्थ, 27 डिग्री नॉर्थ, ये मेरा 28 डिग्री नॉर्थ आ चुका। अब आप लोग क्या करेंगे, ये जो नीचे का रेखा है ये हम लोगों ने बनाने के लिए इसका हेल्प किया था, इसको क्या करेंगे मिटा देंगे। स्केल से आप लोग बनाएंगे या पेंसिल से, जिसे आप लोग मिटा देंगे, इरेज कर देंगे इसे। इसमें भी क्या करेंगे, नीचे वाली रेखा जो है पहले के स्ट्रेट लाइन, उसको हम लोग इसको मिटाएंगे, ऊपर वाला नहीं। मिटाने में आप लोग को ज्यादा परेशानी ना हो इसलिए उसको थोड़ा सा हल्की हाथ से खींचेंगे या फिर डॉट डॉट करके भी खींचेंगे, ताकि मिटाने में ज्यादा गंदा ना दें। ये मेरा बनके तैयार हो गया इंटरनेशनल मैप प्रोजेक्ट। अब हम लोग क्या बनाना है, स्केल बनाना है। स्केल है क्या हमारा, 1:2 मिलियन पे बना रहे हैं आप। इसको कैसे बनाते हैं स्केल देखिए, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1:2 मिलियन, 6 किलोमीटर पे आरएफ दिया हुआ है, दोनों का यूनिट सेम रखेंगे हम लोग। तो मानते हैं दोनों का यूनिट क्या है, सेंटीमीटर में है। अलग थोड़ा सा रफ करते हैं, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू ऐसे करके कर लेते हैं, अलग ये रफ वर्क है, सिखा रहे हैं कैसे स्केल बनाना चाहिए। 1 सेंटीमीटर इसका 2 मिलियन सेंटीमीटर, इसको हम 2 जीरो हटा देंगे क्या आ जाएगा, मीटर में आ गया। फिर 3 जीरो हटा देंगे क्या, किलोमीटर में आ गया, यानी 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 20 किलोमीटर का हमें ये आ गया कैलकुलेशन। तो स्केल हम ग्राफिकल मेथड से बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, एक रेखा लिखी सकती है हम, मान लिए 4 सेंटीमीटर का एक रेखा खींचा हमने, मान लिया ये 20 किलोमीटर, ये 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, ये 40 किलोमीटर, ये 60 किलोमीटर, ये 20 किलोमीटर। अब हम लोग इसके लेफ्ट साइड में 0 के लेफ्ट साइड में सेकेंड इंटीग्रल कर देते हैं, इसको मान लेते हैं क्या, इसको 10 डिवीजन में बांट देते हैं। ये हमारा 10 डिवीजन, आरएफ हमारा कितना है, ये क्या है, स्केल है,
सारी चीज हम रफ में कर लेंगे, देखने के लिए अपना सीखने के लिए था। और यहाँ पे आरएफ लिख दे 1:2 मिलियन। इसको अगर आप थोड़ा सुंदर बनाना चाहेंगे तो इसको क्या अल्टरनेट शेड कर दीजिए इसे, ये हमारा इंटरनेशनल मैप बन के तैयार हो गया। हम लोगों ने सीखा कैसे इंटरनेशनल मैप प्रोजेक्शन का ड्राइंग करते हैं। अब इसके थोड़ा सा विशेषता के बारे में चर्चा करें। हमने पहले बताया था कि पूरे ग्लोब को कवर करता है, अगर सारे शीट को जोड़ा जाए यानी फिट टुगेदर होता है, फिट होता है एक एडजेसेंट शीट को मिलाया जाए। और इसकी विशेषता है जैसे छोटा सा रीजन है, 4 डिग्री एल्टीट्यूड और 6 डिग्री लॉन्गिट्यूड का अगर कोई एरिया है वो छोटा ही है, तो जो छोटे क्षेत्रों के विशेष अध्ययन के लिए एकदम डीप स्टडी के लिए अगर किसी दूसरे प्रोजेक्शन का उपयोग करेंगे तो उसको उतना डिटेल स्टडी नहीं हो पाएगा। इसलिए किसी छोटे रीजन के डिटेल स्टडी के लिए ये प्रोजेक्शन हमें हेल्पफुल होता है, मदद करता है। तो इसका एक विशेष उपयोग हो सकता है किसी छोटे क्षेत्र के विशेष अध्ययन के लिए इंटरनेशनल मैप प्रोजेक्शन का उपयोग किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।